नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी NEA ने पहली बार बिहार को 40 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू की है। एक अधिकारी ने खुद ये जानकारी दी। NEA के प्रवक्ता चंदन घोष ने बताया है कि NEA ने गुरुवार को पहले चरण में कटाया कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली की आपूर्ति शुरू कर दी है। उन्होंने आगे बताया कि नेपाल को बिहार को 125 मेगावाट बिजली आपूर्ति करने की मंजूरी मिल गई है। घोष ने कहा कि हम समय के साथ धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएंगे। समझौते के अनुसार NEA भारत की पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से बिहार को बिजली आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान में भारत को प्रतिदिन लगभग 620 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है। पिछले वर्ष नेपाल ने भारत को अधिशेष बिजली बेचकर 17.6 अरब रुपए का राजस्व अर्जित किया था। इसी अवधि के दौरान नेपाल ने 16.93 अरब रुपए मूल्य की बिजली का आयात किया। भारत ने पिछले महीने ही नेपाल को 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दी थी। एक सरकारी बयान में कहा गया था कि ये पहली बार है जब नेपाल बिहार को मध्यम अवधि के बिक्री समझौते के तहत बिजली की आपूर्ति करेगा। नेपाल में भारतीय दूतावास ने बयान में कहा है कि भारत के सीमा पार व्यापार के लिए निमित प्राधिकरण ने नेपाल में 12 जल विद्युत परियोजनाओं से 251 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नेपाल 28 परियोजनाओं से 941 मेगावाट जल विद्युत का निर्यात करेगा। इससे पहले नेपाल 16 परियोजनाओं से 690 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा था। बयानों में कहा गया है कि 251 मेगावाट की इस मंजूरी से पहले ही नेपाल पिछले वित्त साल में 16.93 अरब नेपाली रुपए की बिजली बेचकर बिजली का शुद्ध निर्यात और शब्द राजस्व सृजक बन चुका था। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2021 में भारत ने पहली बार 39 मेगावाट बिजली निर्यात को मंजूरी दी थी। इसमें कहा गया है कि 3 साल से भी कम समय में ये आंकड़ा 24 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। भारत और नेपाल ने दीर्घकालिक बिजली व्यापार के लिए एक समझौता किया है, जिसमें अगले 10 सालों में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट तक बिजली की बिक्री की परिकल्पना की गई है। ये समझौते का पहला साल है और लगभग 1,000 मेगावाट निर्यात पहले ही हो चुका है। बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए एक समझौते को भी अंतिम रूप दिया गया है और इस पर 28 जुलाई को हस्ताक्षर करने की योजना थी, लेकिन बांग्लादेश में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।